एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव है कि लगातार गहराता चला जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल दफ्तर ने यह बताया कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। दिल्ली के एलजी की चिट्ठी में पत्र में इस फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया। उपराज्यपाल ने लिखा कि दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए भ्रामक कदम, घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही ज्यादा बोझ से दबे माननीय कोर्ट पर फालतू मुकदमों का बोझ डाला जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव लगातार गहराता चला जा रहा है। अब देखिए कैसे ये टकराव बड़ा है। चिट्ठी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बकायदा केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को ये चिट्ठी लिखी है जिसमें एलजी की छवि खराब करने का बेहद संगीन आरोप लगाया गया है। और इस पर केंद्रीय गृह सचिव को जो ये पत्र लिखा गया है उसमें उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से बताया गया कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। और उपराज्यपाल की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र पर दिल्ली सरकार ने पलटवार कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना यह है कि अधिकारियों की ओर से मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें अंतिम विकल्प हैं। उपराज्यपाल भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को सेवाएं आवंटित करने के बावजूद केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCDT संशोधन अधिनियम ने शीर्ष अदालत के फैसलों की अवहेलना करते हुए इन शक्तियों को खत्म कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों के गतिरोध ने जल बोट फंड, फरिश्ते योजना, बस मार्शल और स्मॉग टावर सहित महत्वपूर्ण चीजों को रोक दिया है। इससे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवाएं अधर में लटकी हुई हैं। सरकार छोटी छोटी चीजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को अब मजबूर हो चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पिछले कई हफ्तों से स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को बार बार कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा आदि की कमी है और इसे ठीक किया जाए, लेकिन अफसर लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं कि दवा और बाकी सब कुछ ठीक है, उपलब्ध है। एक बच्चे की खबर कई अखबारों में छपी कि अस्पताल में रुई भी उपलब्ध नहीं थी। क्या अफसर अपनी ही सरकार को गलत जानकारी देकर गुमराह कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मऊ से चुनाव प्रचार के दौरान एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया। वहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मऊ से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके पिता ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने मऊ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली दी थी, लेकिन इस चुनाव में वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो गए और उनके बेटे अरविंद राजभर को मऊ से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं थमा। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मऊ जाना पड़ा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए ब्रजेश पाठक ने वहां से प्रत्याशी बनाए गए ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठा दिया। जैसे ही अरविंद राजभर ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया। विरोध की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे